शादियों का मौसम छाया हुआ है। कुछ समय पहले हुई जायद की शादी और अब अगले हफ्ते है फरदीन की बारी। लेकिन इस बीच पॉपकॉर्न को मिला कैसा ये प्यार है कि लीड एक्टर्स अंगद और कृपा की शादी का इनविटेशन। तो चलिए कपल से पूछते हैं आखिर बात क्या है। ये पब्लिसिटी मेरे ख्याल से कोई तरीका है सोनी एंटरटेनमेंट और बालाजी का, जो इतने बड़े पैमाने में कर रहे हैं और मैं खुश हूँ कि मैं इसका हिस्सा हूँ। थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि लोग मुझे एक्चुअली फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारा संगीत है, तुमने बुलाया नहीं। ऐसे लग रहा है जैसे सच में मेरा संगीत है आज, पर मुझे भी पता नहीं है। और सब लोग मुझे कॉन्ग्रेट्स बोल रहे, तो मुझे ऐसे हो रहा है कि मैं तो काम ही कर रही हूँ, हर रोज शूट करती हूँ, आज भी कर रही हूँ, उसमें कॉन्ग्रेचुलेशन वाली कौन सी बात आ गई। बिकॉज मैं आई वैसे ही सारे मेरे लाइक दूसरे क्वार्टर्स और दूसरे आर्टिस्ट दूसरी सीरियल्स के जो आए आज, सब आके मुझे कॉन्ग्रेट्स बोले, तो हम लोग मैं तो काम कर रही हूँ, तुम्हें भी कॉन्ग्रेट्स। जब बाराती शादी में पहुंचे तो उनका कहना था, फिलहाल तो थोड़ा खोया खोया सा हूँ कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन उत्सुकता है ये जानने के लिए कि क्या होगा अभी। पहले तो ऐसा लगा ये क्या हो रहा है, ये वाकई में शादी हो रही है, सच की शादी तो नहीं है कहीं। फिर थोड़ा थोड़ा पता चला बालाजी में काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे पता चला कि हाँ सीरियल में शादी है लेकिन इसे रियल शादी की तरह शूट किया जा रहा है। बहुत दिन हो गए किसी शादी में नहीं गए, तो चलो शादी में नाच के आते। मेरा पहला ये रिएक्शन था ये कि कौन सी शादी है जिसके बारे में मुझे पहले खबर नहीं थी, अचानक इन्फॉर्मेशन मिली। दोनों बहुत एक्साइटेड थे कि शूटिंग के बाद पार्टी में आना है। शादी के बाद अंगद और कृपा की जिंदगी में तो काफी चेंजेस आने वाले हैं, तो हमने सोचा कि उनकी पार्टी में मौजूद मेहमान अपनी शादी कैसे करना चाहते हैं। मेरी ड्रीम वेडिंग वही होगी जहाँ पर एक ही लड़की होगी जिसे मैं प्यार करूँगा और उसी से शादी करूँगा और सारी जिंदगी वही एक जिंदगी लड़की होगी जिसके लिए मैं गाना गाऊंगा और जिसको खुश रखने की कोशिश करूंगा। आई थिंक ड्रीम वेडिंग विल बी वेरी प्राइवेट फॉर मी एट लीस्ट। जब शादी करूंगा तो एकदम धूमधाम से करूंगा, वो पक्की बात। समुद्र में बहुत बड़ा तख्ता तैर रहा होगा, उसमें चारों तरफ से लाइटें बढ़ रही होंगी, बीच में फेरे चल रही होगी, जो ऑडियंस होगी बाजू में बैठी होगी। मेरी शादी प्लेन में होनी चाहिए। आज अंगद की शादी हो रही है और ये बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है, संगीत हो रहा है, जो भी हो रहा है ये बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। लेकिन इकबाल की जब शादी होगी तो मेरे ख्याल से इतना नहीं होगा, नॉर्मल होगा। मैं शादी एज एन इंस्टीट्यूशन में बहुत विश्वास रखती हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया का सबसे अच्छा बंधन है ये, और अगर दो प्यार करने वाले एक शादी के बंधन में बंध जाएं तो नथिंग लाइक इट, बट इट्स ऑल। सभी ने अपनी शादी के सपने सजाए हैं और हम आशा करते हैं कि वो सारे सच हो जाएं।